उत्तर प्रदेश में हर आदमी देख रहा है किस तरीके से किसानों को समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार बिल्कुल निरंकुश है। किसान जो अन्नदाता है हमारा है, उनकी परेशानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज सरकार कर रही है। उसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बस्ती जनपद में हमने राज्यपाल महोदय को बस्ती जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने में हम लोगों ने मांग किया है कि जो धान की खरीदाई जो लेवी पे हो रही है वो बहुत कम हो रही है, उनके से धान नहीं लिए जा रहे हैं, उनके धान लिए जाने चाहिए। दूसरी साथ नमी के नाम पर कटौती की जा रही है, लंबा कटौती की जा रही है, मनमानी कटौती की जा रही है कि ये धान नम है उसकी कटौती कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो धान की कटौती बंद करनी चाहिए। नलकूप विभाग द्वारा जो नलकूप में जो बिजली का जो पानी जा रहा है नहरों में उसका दाम सरकार ने बढ़ाया है, उस दाम को हम चाहते हैं कि पूर्ण वापस लेकर के सरकार उनकी बिजली दर को सस्ता किया जाए किसानों के लिए। साथ ही साथ तमाम हम लोगों ने जो किसान की समस्याएं हैं, गन्ना मूल का बस्ती चीनी शुगर मिल तमाम है जिसमें अभी तक भी गन्ना मूल के बकाए पर्याप्त हैं, जिनको अभी गन्ना मूल का बकाया वापस नहीं किया गया है उसको तत्काल गारंटी दी जाए कि कब तक वो वापस होगा, ये सुनिश्चित कराए सरकार। ऐसी मांग को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया।